बदला एनकाउंटर वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, फिर कोई और राज्य हो, इन दिनों सब जगह खाकी का एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही है। पीड़ितों को न्याय दिलाने का बीड़ा खाकी ने उठाया हुआ है। जिस तरह से कोर्ट और विपक्ष एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उससे तो यही लगता है इन एनकाउंटरों के बाद जो पुलिस अपराधियों को कोर्ट के सामने खड़ा करती थी, अब वही पुलिस कोर्ट में सवाल बनकर खड़ी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदलापुर एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कई बड़ी बातें कही है। क्या कुछ कहा है, न्यूज इंडिया की इस खास रिपोर्ट में देखिए। पिछले एनकाउंटर का मामला पूरी तरह ठंडा नहीं हो पाता है तब तक एक और एनकाउंटर की खबर सामने आ जाती है। पिछले कुछ वक्त से देश में यही सिलसिला रिपीट हो रहा है। चाहे देश का कोई राज्य हो, सभी जगह पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर फ्रेंडली बनती जा रही है। यानी पुलिस फैसला ऑन द स्पॉट के फॉर्मूले को अपना कर जुर्म को मिटाने के लिए निकल पड़ी। जिस तरह से एक के बाद एक पुलिस एनकाउंटर कर अपराधियों को मिट्टी में मिला रही है, उससे यही तस्वीर साफ होती है कि खाकी पर भले ही दाग लगे, लेकिन अपराधी को उसके अंजाम तक बिना कोर्ट कचहरी के पहुंचाया जाए। बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस जिस तरह से अपराधियों का एनकाउंटर कर मौत की नींद सुला रही है, उससे मामला काफी संगीन भी हो गया है। छोटे बच्चे पे अत्याचार हुए हैं, वहाँ पे वो शिक्षण संस्था भारतीय जनता पक्ष के लोगों से भरी है और इसलिए उनको बचाने का तरीका ढूंढा जा रहा था। उसी तरह से जो ठाणे जिले से अपना पूरा राजनीति चलाते हैं, उनके लिए भी ये केस एक नासूर बन गया था कि बदनामी उनकी हो रही थी और इसलिए फिर ये केस ही खत्म हो जाए, इसलिए जो आरोपी है उसे मरने की संधि एक परिस्थिति तैयार की गई और एनकाउंटर किया है या उसे खुद उसने आत्महत्या की है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन ये बहुत दुखद है कि इस तरह से न्याय की हत्या करने की कोशिश की गई। यूपी से होता हुआ खाकी का एनकाउंटर अब महाराष्ट्र पहुंच गया है, जहां रेप के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर होने से मामला फिर एक बार गर्मा गया है। पुलिस एनकाउंटर की जो थ्योरी बता रही है, उसमें कोई न कोई लूप होल नजर आ रहा है। मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए। पुलिस को ट्रेनिंग देने के बावजूद आरोपी के सिर पर गोली कैसे लगी? पुलिस ने आरोपी के हाथ या पैर पर गोली क्यों नहीं चलाई? कार में पीछे आरोपी के साथ चार पुलिस वाले थे। कैसे संभव है कि एक कमजोर आदमी को चार पुलिस वाले काबू नहीं कर पाए? पुलिसकर्मी के हथियार लॉक क्यों नहीं थे? पुलिस के ऊपर हमला हुआ, पुलिस को मारने की कोशिश की, उनके पैर पे गोली लगा है, तो भी पुलिस के मामले पे पुलिस पर संशय ले रहे। अरे कभी किसी ने जाके पूछा वो पुलिस की हालत क्या है, कौन सा परिस्थिति, कौन से कठिनाइयों में पुलिस लोग है, लेकिन उनके ऊपर आरोप करने का किसके लिए? जो क्रूर कर्मा है, जिसने छोटी बच्ची के ऊपर अत्याचार किया है, वही आरोपी को तुरंत फांसी देना चाहिए, फांस पे लटकाना चाहिए, ये आंदोलन यही लोग कर रहे थे और वही आरोपी की आज बाजू ले रहे हैं, उसके साइड से बोल रहे हैं। बता दें कि आरोपी अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये सवाल डाले। बता आपको ये भी दें कि कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अन्ना शिंदे ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने इनमें से कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए, लेकिन एक भी जवाब ऐसा नहीं था जिस पर भरोसा किया जा सके। इस बीच विपक्ष के विरोध को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे को खुद सफाई देने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिसमें अक्षय शिंदे मारा गया। दरअसल पुलिस शाम करीब 5:30 बजे अक्षय शिंदे को जाँच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गयी।
जहां शाम करीब 6:15 बजे थाने में मुंब्रा बाईपास के पास अक्षय शिंदे ने पुलिस कर्मियों की रिवॉल्वर छीन कर एएसआई नीलेश मोरे पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में आरोपी अक्षय शिंदे ढेर हो गया। दो छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला और अपनी ही पत्नी, पूर्व पत्नी के साथ रेप करने वाला अक्षय शिंदे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने तब सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की जब उसने, बताया जाता है, उनकी गन लेकर उन पर फायरिंग करने की कोशिश की। पर ये क्या हो चुका है, एक तरफ महाराष्ट्र और बदलापुर राहत की सांस ले रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां मातम बना रही है एक बलात्कारी के लिए। ये बलात्कारी बचाओ अलायंस है क्या? हालांकि पुलिस जो थ्योरी बता रही है, अक्षय शिंदे का परिवार उसे नकार रहा है। परिवार वालों का कहना है कि आरोपी अक्षय शिंदे 10वीं में फेल हो गया, उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, उसे पटाखों से भी डर लगता था, तो फिर अक्षय शिंदे पुलिस की बंदूक छीन कर फायर कैसे कर सकता है? वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकल रहा रिपोर्ट भी निकल रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगते है ना, कोर्ट में दाखिल करना मांगते है ना। हाँ बाबा, बच्चे ने किया है क्या नहीं करके, तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसका फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा, कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए, कुछ जीने का नहीं, हम लोग को मरने का। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल जोरों पर है। अक्षय के एनकाउंटर को लेकर शिंदे सरकार ने एक जांच के लिए टीम भी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस जांच के पीछे सीएम एकनाथ शिंदे ने नियमों का हवाला दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी तरह से एनकाउंटरों से अपराधियों को सजा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा, या फिर अपराधियों को सजा देने का जो अधिकार कोर्ट के पास है वो बरकरार रहेगा। अक्षय शिंदे एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है और उसने लिए उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की, खुद को खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी फायरिंग करना पड़ा और पुलिस का जवाबी फायरिंग में उसको गोलियां लग गई। ये बात जरूर हमने ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज महाराष्ट्र पर कई लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है। जरूर है ये अक्षय शिंदे उस वक्त जुडिशियल कस्टडी में था, इसकी जुडिशियल जांच होगी, तब तक हमें रुकना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकारों की पुलिस अपराधियों के साथ एनकाउंटर कर रही है, उससे तो यही लगता है कि सूबे की सरकारें न्यायपालिका की जगह फैसला ऑन द स्पॉट पर भरोसा कर रही है। अगर ऐसा है तो संविधान के तहत ये देश कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जिसे जो काम मिला है उसे वो पूरी ईमानदारी से करे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में एनकाउंटर और अब इस एनकाउंटर पर बड़े सवाल, और सवाल ये हैं कि ये पुलिसिया एनकाउंटर हैं या फिर सियासी एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होता है तो विपक्ष जाति वाले स्क्रिप्ट लेकर आ जाता है कि जाति को देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, और अगर कहीं बाहर एनकाउंटर होता है तो उसे साजिश, यानी कि महाराष्ट्र में एनकाउंटर हुआ तो उसे साजिश बता रहे हैं, और जब मुंबई में एनकाउंटर होता है तो विपक्ष इसे राजनीति से जोड़ देता है। इन्हीं सब के इर्द गिर्द अब एनकाउंटर खुद एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि क्या एनकाउंटर सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई है या फिर पर्दे के पीछे एनकाउंटर की कोई और ही कहानी चल रही है। इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। यूपी टू मुंबई कितने एनकाउंटर सही, एनकाउंटर से अपराधियों का इलाज, विपक्ष क्यों नाराज,
कहीं दिखता कास्ट तो कहीं नेताओं का हाथ। पुलिसिया कार्रवाई, सियासत हाई फाई। एनकाउंटर का चिट्ठा, कौन सच्चा कौन झूठा। कहते हैं कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन इस वक्त देश में जो दिखाई दे रहा है वो ये कि कानून का निशाना भी पक्का है। इस वक्त जितने भी निशानेबाज हैं वो या तो ओलंपिक में है या फिर पुलिस में। देश भर में अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ है, और ये खौफ सिर्फ यूपी तक सीमित है कहना गलत होगा, क्योंकि निशाना तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी नजर आ रहा है। देश भर में अपराधियों को लेकर जहां केंद्र सरकार एक्टिव मोड में है, तो वहीं राज्य सरकार भी अपने लेवल पर अपराधियों के लिए सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते कई राज्यों में बदमाशों से मुठभेड़ के साथ एनकाउंटर जैसी खबरें सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की तरफ से जवाब एक है कि अपराधी ने भागने की कोशिश की या फिर पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। 4-4.5 साल की बच्ची पे जो अत्याचार करता है उसके ऊपर तो चौक में लाके उसको फांसी देना चाहिए, ये लोगों की मांग थी। लेकिन कायदा कुछ और कहता है, कायदा कहता है उसकी कस्टडी होना चाहिए, उसकी मालूमत होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, और उसका रिजल्ट जो न्यायालय देगा उसी तरीके से उसको सजा होना चाहिए। लेकिन कल देखे जाया है तो वो जो गाड़ी में बैठा है उसने पुलिस का रिवॉल्वर छीना है, इसमें पुलिस भी थोड़ी कमियाँ उनकी दिखने में आई कि वो चार लोग होने के बावजूद भी वो रिवॉल्वर छीनता कैसा है, फायर कैसा करता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला मामला होता है। तो वो पुलिसों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसने जब पुलिसों के ऊपर रिवॉल्वर तानी और गोली चलाई तो उसने उसका जो रिप्लाई जिसको बोलते हैं तो वो करने के डिफेंस में उन्होंने जो फायर किया उसमें उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर से सियासी गलियारों में ऐसा हो हल्ला मचा हुआ है कि जिसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा। सत्ता पक्ष लगातार इस मामले पर सफाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष पिछले एनकाउंटरों के पन्नों को पलटकर सत्ता पक्ष और पुलिस के मंशा पर सवाल उठा रहा है। बदलापुर में पोस्टमूल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की थी करके 4-5 दिन वो घटना को दबाने की सरकार ने कोशिश की, और अभी जिस प्रकार से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया उस पर से ये बात की शंका आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल होने के कारण और ये बात आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए इसको हमेशा के लिए अक्षय शिंदे को हटा दो करके ये एनकाउंटर हुआ क्या, इसके बारे में भी शंका है। असलियत जनता के सामने आने को होगा, इसलिए ये पूरी घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा चौकसी होना चाहिए। अब जब सियासी बयानबाजी जारी है तो भला कांग्रेस इससे कहां पीछे रहती। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने इस एनकाउंटर की आड़ में आरोपी को बचाने की साजिश तक बता दी, लेकिन सबसे शॉकिंग रहा शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम का बयान। उन्होंने साफ कह दिया है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, साथ ही उनके लोगों पर सवाल दाग दिए जो लोग पुलिस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों का होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश कर की गई, और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज बंद कर दी गई है। बदलापुर में जो हुआ था कल उसका बदला लिया गया है, और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनकाउंटर कानून है, एनकाउंटर कानून नहीं होता, एनकाउंटर एक अपवाद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे हैवान, ऐसे जो अमानवीय लोग हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, जो हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बहु बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, उनकी आंखें फोड़ने का इंतजाम करना ही चाहिए। जब बदलापुर की घटना घटी थी तो यही अपोजिशन के लोग, विरोधी पक्ष के लोग इस प्रकार से डिमांड कर रहे थे कि उस आरोपी को भरे चौक में फांसी की सजा दे दीजिए। तब वो कौन से कानून की बात कर रहे थे? महाराष्ट्र में बात इस बार स्कूल में रेप की थी, लेकिन कांग्रेस ने जब इस पूरे मामले में एंट्री मारी तो उसने बीजेपी से लेकर आरएसएस तक पर निशाना साधा,
महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तो इसमें आरएसएस को बचाने की बात तक कह दी थी। हमारी तो मांग ऐसी है कि जैसे अक्षय सिंधे को इन लोगों ने इनकाउंटर किया ऐसा ये बोलते हैं, तो सबको जितने भी वहां पे आरोपी है सबको इनकाउंटर कर दो ना, हम समर्थन करेंगे इनका, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये महाराज जैसे जो हमारी सावित्री बाई फुले का जो महाराष्ट्र है वहां पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, सरकार का ये पाप है, महिलाएं सुरक्षित नहीं महाराष्ट्र में, और सरकार पूरी राजनीति कर रही है। सरकार को तो शर्म आना चाहिए इस बात पे कि अपोजिशन को राजनीति करने का आरोप लगाती है, ये विषय राजनीति का हो नहीं सकता। सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं तो गलत है। विपक्ष इस एनकाउंटर को हैदराबाद वाले एनकाउंटर से मर्ज करके देख रहा है। विपक्ष नेता अब बदलापुर में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। देश में इन दिनों एनकाउंटर की बाढ़ सी आ गई है, जिसे लेकर कोर्ट भी सख्त हो गया है। जानते हैं कि एनकाउंटर का मतलब क्या है, पैरामीटर क्या है, कानून की नजर में एनकाउंटर की कितनी हैसियत है, क्या आम आदमी को सेल्फ डिफेंस में किसी को मारने का हक है, या ये अधिकार सिर्फ पुलिस को ही मिला हुआ है। पुलिस और अपराधियों के बीच जब गोलीबारी होती है, उस दौरान पुलिस की गोली से आरोपी घायल या फिर मर जाता है। पुलिस पहले हवाई फायरिंग और फिर आरोपी के पैर में गोली मारती है। स्थिति कंट्रोल में ना होने पर पुलिस आरोपी के शरीर को निशाना बनाती है। जिस स्कूल में घटना हुई थी उसके न तो अब तक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, न तो ट्रस्टी को गिरफ्तार किया गया। क्या अक्षय सिंधे जानता था, नहीं जानता था, किसी को बचाना तो नहीं चाहता था, पुलिस ने इसे क्यों मार गिराया, खुद इसने अपने को मार लिया, इनकाउंटर है या जवाबी कार्रवाई है, बहुत सारी शंका संशय है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस को दुनिया के सामने ये बताना चाहिए एसआईटी के माध्यम से, जांच के माध्यम से, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उसको फांसी दी गई होती तो जनता का ज्यादा विश्वास सरकार जीत पाती। अगर उसको इनकाउंटर में भी मार गिराया है वो भी स्पष्ट करो, उसने पुलिस पर गोलीबारी की है, बदले में पुलिस ने उसे मार गिराया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कुछ है सरकार को जनता को बताना चाहिए। एनकाउंटर को लेकर जितनी चर्चा सियासी गलियारों में उतनी ही न्यायिक गलियारों में भी। एक तरफ नेता एनकाउंटर पर उंगलियां उठाकर सरकारों पर निशाना साध रही हैं, दूसरी तरफ कोर्ट पुलिस की थ्योरी को सवाल के कटघरे में खड़ा कर जवाब पूछ रही है। एनकाउंटर से शुरू हुई लड़ाई अब न्याय दिलाने की प्रक्रिया तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के बदलापुर में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोगों ने जिस तरह से जश्न मनाकर खुशी जाहिर की, इससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है वो मामला उतना ही उलझता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कब हो पाता है। न्यूज इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। जब जब अपराध बढ़ता है तो एनकाउंटर की गूंज सुनाई देती है। पुलिस साफ तौर पर यह बयान देती है कि पुलिस कोई जाति या पार्टी देखकर एनकाउंटर नहीं करती। अगर किसी ने अपराध किया है और वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है और स्थिति नियंत्रण से बाहर है तो ऐसे हालातों में एनकाउंटर किया जा सकता है। अब हम आपको देश में हुआ सबसे पहला एनकाउंटर और देश के टॉप 10 एनकाउंटरों के बारे में ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे एनकाउंटर हुए। सबसे पहला 1982 में मान्य सुर्वे का एनकाउंटर हुआ। इसके बारे में आपको बताते हैं, 11 जनवरी 1982 को मुंबई के वाडला इलाके में चली गोलियों की आवाज और वहां की हवा में मौजूद बारूद की गंध देश के पहले एनकाउंटर की कहानी लिखती है। यह एनकाउंटर था मुंबई की कुख्यात अपराधी मान्या सुर्वे का। तो 80 के दशक में यह एनकाउंटर हुआ पहला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि दूसरा एनकाउंटर कौन सा था। 2023 में असद और अहमद गुलाम का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और इस गैंग के शूटर गुलाम का यूपी पुलिस ने झांसी में 13 अप्रैल को एनकाउंटर कर दिया था। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। ये एनकाउंटर हम आपको बता रहे हैं। इस पर भी काफी सवाल खड़े किए गए थे और काफी इसके बारे में भी बातचीत की गई थी और इसको राजनीतिक रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी। अगला एनकाउंटर हुआ
2021 में विकास दुबे का एनकाउंटर, विकास दुबे जिसने कई जिसकी वजह से एक सीओ की मौत हो गई थी और जिसके चलते इलाके में जिसका खौफ था, अपने आप को राजनीतिक के तहत बताता था कि मेरे ऊपर राजनीतिक हाथ है इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद एनकाउंटर की अगली सूची में हमारे पास है 2019 में हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, 2019 में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके आपको बताएंगे 2019 में हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ और 2017 में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ। आनंद पाल के एनकाउंटर को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। आगे बढ़ते हैं, तो ये हम आपको टॉप 10 एनकाउंटर के बारे में बता रहे हैं। 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर काफी चर्चित रहा और इसको लेकर देश में तरह तरह की बातें बनाई गई। आगे चलते हैं, 2007 में तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर किया गया, इसको लेकर उस वक्त राजनीति गरमाई हुई थी, कई बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, 2006 में दारा सिंह का एनकाउंटर किया गया, दारा सिंह के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कई बड़ी बातें कही। आगे बढ़ते हैं, 2004 में इशरत जहां एनकाउंटर किया गया, 2004 में। तो यह हम आपको टॉप 10 एनकाउंटर बता रहे हैं जो देश में हुए और जिनकी गोलियों की गूंज जो है वो पूरे देश में सुनाई दी। देखिए 2003 में सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया गया, 2003 में। तो ये हमने आज आपको बताए देश के टॉप 10 एनकाउंटर्स जो जिनकी गूंज पूरे देश ने सुनी। तो फिलहाल के लिए बदला एनकाउंटर वाला में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।